सर जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको तो कुछ भी नहीं मालूम, वो तो बाबा साहब को ही नहीं जानते, ऐसे ऐसे लोग हैं। बहन जी, जाति का अभ्यास यहाँ पे ये नहीं करना है कि हम उस जाति के हैं, उस जाति के समाज के, लेकिन हमें बिल्कुल मैं यही कहना चाहती हूँ कि जाति उन्मूलन की बात होनी चाहिए। हाँ, इसमें जो है ना यही बताना हमें है कि जातियाँ हमारे उनको खत्म कैसे करना, ये बात होनी चाहिए सर, और उसके लिए उन्मूलन के लिए बात की होगी, तभी तो बाबा साहब से सब कुछ कह रहे हैं। मैं भी सुन सर, बारी बारी से बात करिए, बारी बारी से बात करिए सर। सभी सभी शांत रहे सर, मैं कुछ बोलूं बाबा साहब ने क्या कहा था, कटके सर बोलना चाहते हैं। हाँ, ये सर सभी लोग शांत हो जाइए। ओके सर, जय भीम जय मूलवासी। जी, बाबा साहब ने तीन किताब चार किताबों में जाति के ऊपर खूब लिखा है। पहली किताब है कास्ट इन इंडिया इज जेनेसिस एंड मैकेनिज्म, 1916 में लिखी थी। दूसरी किताब है हू वेयर शुजाज, 1946 में लिखी थी। तीसरी किताब है द अनटचेबल्स, अछूत कौन और कैसे। और चौथी किताब लिखी है रेवल्यूशन और काउंटर रेवल्यूशन। तो इसमें बाबा साहब ने जाति को मिटाने के बारे में क्या कहा, इसको मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। खासकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो किताब है, ये बहुत ही जरूरी है हम सभी को पढ़ने की, पढ़ना चाहिए वो किताब। तो उसमें बाबा साहब ने सोल्यूशन ये बताया है, बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया इस किताब में ये बताया कि जाति निर्माण कैसे हुई, वो कैरी कैसे होती है, पहले ये जो सारे जाति में जो अछूत लोग हुए, पहले बुद्धिस्ट कैसे थे, इनको बुद्धिस्ट से फिर अछूत कैसे बनाया गया, इसमें क्या क्या कौन सी कॉन्स्पिरेसी चलाई गई ब्राह्मणों के द्वारा। तो ये एक बात हुई, ये कास्ट इन इंडिया में दी हुई बाबा साहब ने। दूसरी किताब लिखी है बाबा साहब ने द अनटचेबल्स, हु वेर दे एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल्स। तो इसमें ये बताया है कि अस्पृश्य लोग कैसे बने। तो ये सम्राट अशोक का जो पुष्यमित्र शुंग है, ये एक इवेंट है। दूसरा फिर गुप्ता एम्पायर जो था छठवीं ईस्वी सन छठवीं शताब्दी से सातवीं शताब्दी तक, फिर बाद में शंकराचार्य का मूवमेंट आया 642 के बाद, और फिर मुस्लिम लोग आए और मुस्लिम लोगों के राज्यों में ब्राह्मणों ने खासकर उनके साथ समझौता करा के बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए और जातियों का बहुत सारा संकर कर दिया। तो ये संक्षिप्त में इतिहास है। तीसरी एक चौथी महत्वपूर्ण किताब है जो कि है ओबीसी के लिए, हु वेयर शूद्रास। बाबा साहब ने कहा कि शूद्र कोई एससी नहीं है, एससी एसटी लोग शूद्र नहीं है, शूद्र ओबीसी है। तो ओबीसी जो लोग शूद्र है ये वर्ण में आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार वर्णीय व्यवस्था में रहने वाले लोग है। हम तो अवर्ण है, पांचवा वर्ण है हमारा जिसको अछूत कहा गया, ये वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं हम लोग। अब रही बात कि बाबा साहब बार बार कहते हैं हुवेर शूद्रास में कि शूद्र कौन थे, क्वेश्चन मार्क है। और बाबा साहब कहते कि शूद्र ओबीसी थे। अब ओबीसी थे, ये शूद्र पहले कौन थे, तो बाबा साहब कहते कि पहले राजा थे, ये पहले राजा थे, इनकी यूनिवर्सिटियां थी, इनके व्यवसाय थे, इनके उद्योग थे। अछूत लोग और शूद्र लोग बुद्ध के जमाने के बाद, सम्राट अशोक के जमाने से लेकर तो हर्षवर्धन तक छठवीं शताब्दी तक, हम लोग करीब करीब हमने 100 यूनिवर्सिटियां खड़ी की थी। 42 यूनिवर्सिटी तो अशोक ने खड़ी की थी सम्राट, और उसके बाद सम्राट हर्षवर्धन तक 100 यूनिवर्सिटी हमारी थी। फॉरेन से लोग यहाँ पर पढ़ने को आते थे, एंट्रेंस एग्जाम से नंबर नहीं लगता तो लोग रोते थे। तो ये इतिहास हमारा है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास हमारा था। लेकिन सातवीं शताब्दी के बाद 612 में जब मोहम्मद बिन कासिम आया, और मोहम्मद बिन कासिम को लाने का न्योता भी यहाँ के बमन लोगों ने और राजपूतों ने दिया, और ये 11वीं शताब्दी तक इनका संघर्ष चला बौद्ध धर्म को पीछे करने का। और 11वीं शताब्दी के बाद फिर दिल्ली सुल्तान आए, दिल्ली सुल्तान 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक रहे, बाद में मुगलों का शासन आया। तो ये सारे मोमेडियन शासन में ब्राह्मणों ने हर मुसलमान राजा को यही कहा कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं है, हम लोग अछूत भी नहीं है, हम शूद्र भी नहीं है, हम तो उधर से है, यूरोप से आए हुए लोग हैं, तो हम भी आपके जैसे। जब औरंगजेब ने 1730 की 40 में जिजिया कर लगाया था,
जो यहाँ के मूल निवासी के ऊपर जो रिलीजियस टैक्स होता था, तब ये ब्राह्मण लोगों ने अपना डेलीगेशन औरंगजेब को लेके गए और उनको कहा कि हम लोग के अछूत नहीं है, हम लोग यहाँ के इंडिया के है ही नहीं, हमारे ऊपर जिजिया मत लगाओ, और जिजिया कर से उन्होंने अपने आप को छूट मिला ली। तो ये इतिहास बाबा साहब ने पूरा लिखा हुआ है। अब सोल्यूशन बताया बाबा साहब ने जाति से मुक्त कैसे करना, तो इसका जो है खासकर तीन मुद्दे बताए बाबा साहब ने। बाबा साहब ने कहा कि जाति तुम्हारे मन में रहती कैसी है, वो कहते हैं कि जाति एक मन की भावना है, ये कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, ये मन में होती है सॉफ्टवेयर जैसी, जैसा कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं दिखता लेकिन सारा कंप्यूटर का कंट्रोल सॉफ्टवेयर ही करता है, तो ऐसी ही जाति हमारे मन की भावना है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मन मन में घुसी कैसे, तो कहते हैं कि जब अछूत हमको बनाया गया तब हमको हमारे सारे अधिकार निकाले गए। कौन सा अधिकार निकाला? पहला अधिकार शिक्षा का अधिकार निकाला गया, आपको शिक्षा से वंचित किया गया। दूसरा अधिकार संपत्ति अर्जित करने का अधिकार आपका निकाला गया। तीसरा आपको इधर उधर घूमने की आजादी आपकी निकाल ली। चौथा आपको पैसे का कोई भी व्यवहार करने का कोई भी छूट नहीं दे दी गई। इसका मतलब आपको रिसोर्स लेस बनाया गया। और इसके बाद ये कहा गया कि ये जो हालत आपकी बनी हुई है ये भगवान की वजह से है, ईश्वर ने आपको, आपने गंदे काम किए इसीलिए पाप किया है आपने, ये पाप की सजा है। और इसका फिर बाबा साहब कहते हैं कि इसका बेस कहाँ पर है, तो ईश्वर है, जाति है, आत्मा का कंसेप्ट है, ये किस में है? तो बाबा साहब कहते हैं शास्त्रों में है, तो शास्त्रों के कानून बनाए। बाबा साहब का एक बहुत बड़ा कोटेशन है, बाबा साहब कहते हैं कि वेन रिलीजन डज नॉट रिमेन एज ए रिलीजन एंड इट कन्वर्ट्स इन टू रूल्स देन इट डजंट रिमेन एज ए रिलीजन। जब भी कोई धर्म अपनी फिलोसॉफी छोड़कर, प्रिंसिपल को छोड़कर सिर्फ कानून बनता है तो कानून थोपा जाता है, और थोपा उसी के ऊपर जाता है जो गुलाम हो, तो ऐसा ये शास्त्रों का कानून हमारे ऊपर थोपा है। तो बाबा साहब ने कहा कि जाति मिटाने का पहला इलाज है शास्त्रों की मान्यताओं को आप अपने मन से निकाल डालो। फिर वो कैसे निकालोगे? तो शास्त्रों को जला डालो। जब तक हम लोग जलाते नहीं किसी चीज को, तब तक हमको हमारे मन से, हमारे आचरण से वो नहीं चला जाता। इसीलिए मनुस्मृति को जलाया, कि मनुस्मृति यही ऐसा कानून था कि जिसमें हमारे सारे गुलामी के पूरे प्रोविजन रखे हुए। तो गुलामी को रोकने के लिए पहला काम करना होगा शास्त्रों की, मन की मान्यताओं को हमारे मन से हटाना होगा, पहला इलाज। फिर शास्त्रों की मान्यता अगर हम हटाएंगे, शास्त्रों को मानेंगे ही नहीं मानते हम मनुस्मृति को, नहीं मानते हम वेदों को, नहीं उपनिषदों को, रामायण महाभारत किसी भी काव्य को, कितना भी अच्छा होने को हम नहीं मानेंगे। अब ये शिक्षा हमारे दिन में हर दिन घुस गई, तो ये मानने के लिए फिर क्या सोल्यूशन दिया गया? उसके ऊपर ये बहुत बड़ा औषध दिया गया 22 प्रतिज्ञाओं का, तो ये बाद में दिया गया, लेकिन पहले ये कहते हैं कि शास्त्रों की मान्यताओं को मानना छोड़ दो, उसको जला डालो। जलाओगे तो मन से भूलोगे, तो सॉफ्टवेयर धीरे धीरे करप्ट होके उसके ऊपर ये तुम एंटी सॉफ्टवेयर जो रहता है ना एंटीवायरस, वो एंटीवायरस है शास्त्रों को जलाना और मान्यता रद्द करना। दूसरा इलाज है कि जाति बढ़ती कैसे, तो कहते हैं कि हम हमारे ही जातियों में विवाह करते हैं, और इस वजह से कोई भी अगर इंसान या लड़का या लड़की विद्रोह करता है और अंतर जाति विवाह करता है तो दूसरी जाति को जन्म देता है, फिर तीसरी उपजातियां जन्म होती है, तो ऐसी जातियों में, उपजातियों में, जातियों में जातियां बढ़ी और ये 6743 जातियां बनी और करीब उपजातियां 20,000 तक बनी। तो इसीलिए फिर इसको तोड़ना कैसे है, तो इंटरकास्ट मैरिज करना पड़ेगा। तो इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए आपकी मानसिकता थोड़ी बनी हुई है, तो इसके लिए फिर आपको समता का भाव रखना होगा। इसीलिए समता का भाव, क्योंकि धर्म का पगड़ा तो जाता नहीं दिमाग से, तो वो पुराना धर्म इतने 70 साल के बाद भी तुम्हारे दिमाग से नहीं जा रहा, तो इसके ऊपर फिर औषध लगाया कि जो धर्म या धम्म स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, शील और ये सारे तत्वों का आचरण करता है, इसको तुम तुम्हारे सॉफ्टवेयर में डाल दो। आप पहली बार शास्त्रों को जला डाले, जाति से आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, जाति को मन से भूल गए, फिर शास्त्रों की मान्यता जब रद्द हो गई तो ईश्वर की मान्यता भी अपने आप चली जाएगी, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व कहाँ पर है? शास्त्रों में, क्योंकि गणपति पुराण है, याज्ञवल्क्य स्मृति है,
दुनिया भर के रामायण है, महाभारत है, ये शास्त्रों को जब तुम छोड़ोगे तो ईश्वर भी भाग जाएगा। फिर तीसरा है अंतर जाति विवाह करना पड़ेगा, अंतर जातीय भोजन करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि हमको एक दूसरे के साथ बंधुत्व का व्यवहार करना पड़ेगा। तो ये बंधुत्व का व्यवहार मन में आएगा कैसा, तो इसीलिए बुद्ध धम्म को अपनाना होगा, जिससे कि बुद्ध धम्म का आचरण जैसे आनापाना है, विपस्सना है, कसीना मेडिटेशन है, मेत्ता भावना है, ये अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे और 22 प्रतिज्ञा का आचरण करोगे तो जाति का जो सॉफ्टवेयर जो करप्ट हो चुका है आपके मन से वो निकल जाएगा। और अंतर जाति विवाह आप करोगे तो अगली आने वाली जनरेशन को जाति लिखने के लिए क्या होगा, कौन सी जाति लिखोगे? फिर एक जाति में अगर 6700 जातियों में से हर जाति वाला डिसाइड करता है कि मैं मेरे जाति में मेरे बच्चे का लड़का लड़की का शादी करूंगा ही नहीं, तो 25 साल में जाति खत्म हो जाती है प्रैक्टिकली। लेकिन उससे पहले मन से जाति को मिटाओ, तो मन से जाति मिटाने के लिए शास्त्रों को जला डालो मन से, और फिर संविधान की प्रैक्टिस करो और बुद्ध धम्म का आचरण करो, 15 साल करो और विद पीपल में जुड़ते हो तो 10 साल क्या 5 साल में भी सब खत्म हो जाएगा। तो जाति का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट से जाति को हटा दो। बाबा साहब ने कभी भी नहीं कहा कि आपके जाति के सर्टिफिकेट में अपनी जाति लिखो, उन्होंने तो कहा एससी लिखो, एसटी लिखो और ओबीसी लिखो। इसीलिए 6743 जाति को 3 में बांटा। क्यों बांटा? क्योंकि अभी तो मन से इकट्ठा नहीं आती, इनके मन का कीड़ा नहीं जाता है, तो पहले इनको आरक्षण दे दो, रिजर्व पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो और इनके एक जैसे प्रॉब्लम रख दो। अगर मेरा प्रॉब्लम वही है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, तीनों का प्रॉब्लम है कि उनको आरक्षण नहीं मिला, तीनों को नौकरी नहीं मिल रही, तीनों को संपत्ति नहीं मिल रही, अब मेरे प्रॉब्लम एक है और मेरी समस्या का समाधान एक ही है, प्रतिनिधित्व, आरक्षण, अंतर जाति विवाह, तो सब लोग एक प्रॉब्लम के लिए झगड़ने के लिए इकट्ठा आएंगे और वो बुद्ध धम्म को अपनाएंगे तो जातियां खत्म हो जाती है। लेकिन इसका वायरस और एंटीवायरस कोई हम लेते नहीं है, हमको पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज, बहुत सारे डोजेस लेने पड़ेंगे, तब जाके जाति जाती है बहन जी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा बताया आपने, बहुत सारे तरीके से समझाया सर। सबको अपने मन में ठान लेनी है और धीरे धीरे होगा, बहुत सारी समस्याएं भी आएगी, हमारे कंफ्यूजन भी हो गए, आज जाति छोड़ेंगे तो जाएगी, पर ये समस्या हो जाएगी। ठीक आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Saranam
साधु साधु साधु।